नमस्कार दोस्तों, मेरा मनोज कुमार है, गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे पिक्चर का। ये फर्स्ट वीडियो लॉन्च हो चुकी है दोस्तों, आप उसको नहीं देखे तो देख लीजिए। तो आज हम पिक्चर में ही आगे हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो जैसे कि मैं पिक्चर को ओपन कर रहा हूँ, पिक्चर को इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। पिक्चर हम लोग ओपन कर लिए। मैंने पिछले वीडियो में कलर करेक्शन का ही पूरा आपको मैंने कंप्लीट किया था, और आज हम लोग बताएंगे कलर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे फर्स्ट पे कलर सैचुरेशन। जैसे अगर पॉइंटर रखेंगे तो यहाँ पर कलर आपको चेंज होगा। हम क्या करते हैं, दो वीडियो लेकर आते हैं तब अच्छा से समझ में आएगा। एक और वीडियो चाहिए मुझे। वीडियो ऐसा चुन रहे हैं जिससे समझाने में अच्छा हो। चलिए यहाँ से एक्स वाई पर क्लिक अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आपको कलर सैचुरेशन। तो इस पर ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा। पॉइंटर रखिएगा तो ऐसा ऐसा इस तरह से। कलर टोन कैसा चाहते हैं, रिकलर, पॉइंटर रख के आप देखते जाइए। जिस पर आप क्लिक कीजिएगा वैसा हो जाएगा। इस पर से अगर कोई भी आपको पसंद नहीं आया तो आप मोर पा जाइए। मोर पाने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए पीला, इस तरह से आप बना सकते हैं कहीं भी इस तरह से कलर आपको। और इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आया तो फिर मोर कलर के पास आइए, और इसमें से कुछ तक कलर जैसे ओके कीजिएगा तो आपकी इस तरह से कलर आपका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सेट ट्रांसपेरेंसी कलर। इसके लिए तो मुझे एक और फोटो को इंसर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए तो मुझे इंसर्ट में जाकर एक और फोटो को इंसर्ट करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका पिक्चर बैकग्राउंड अगर एक कलर का है तो इसको क्लिक करते ही आपको बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। तो जैसे देखिए रिमूव कर दिया। ये हम लोग फोटोशॉप में यूज करते थे, लेकिन इसमें आपको इस टूल का आपको यूज आ गया है। ठीक है ना, इसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका काम ख़त्म हो गया ट्रांस से। उसके बाद आते हैं पिक्चर कलर ऑप्शन। पिक्चर कलर ऑप्शन जो पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था वो आप नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, ये ऑप्शन में मैं आपको बता चुका हूँ। ये फिल का ऑप्शन था, ये नहीं बताया है। ये फिल पर जब आएंगे हम लोग, कोई अब सेफ फिल लेंगे तब इसके बारे में बताएंगे। बाकी मैंने सब चीज़ को ही बता दिया। ठीक है, तो पिछली वीडियो आपको देख लीजिए। उसके बाद ये भी आपको काम खत्म। उसके बाद आता है आर्टिस्ट इफेक्ट। आर्टिस्ट इफेक्ट क्या होता है, जैसे कभी आपको ऐसा जो पड़ेगा क्लिक कीजिएगा तो आपको पिक्चर ऐसा हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं पड़ा तो देखिए आप क्लिक कर पड़ेगा सर, देखिए ऐसा हो जाएगा। इसको डिलीट करते हैं, एक ही पिक्चर को रखते हैं। देखिए ऐसा हो जाएगा, ये आपको ऐसा हो जाएगा। टाइल्स वगैरह आप देखे होंगे, ऐसा पिक्चर आपको कभी कभी रात में
नेगेटिव वाला, इस तरह से फोटो कॉपी वाला, यहाँ पर नाम दे रहा है क्वेश्चन, कट आउट नाम दे रहा है, सीमेंट इस तरह से नाम दे रहा है, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर दे रहा है ग्लास, देख लीजिए ये सब फोटोशॉप में होता है आपके यहीं पर पूरा, देखिए सबको नाम दे रहा है, जो भी पसंद उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा फोटो हो जाएगा। और इसी में आर्टिस्ट इफेक्ट में जाइएगा तो आर्टिस्ट इफेक्ट ऑप्शन भी जब हम लोग आएंगे तो फिर वही चीज़ खुल रहा है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सब चीज़ मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें आर्टिस्ट यहाँ भी आ गया, पिछली वीडियो में मैं अभी आपको बता दिया था टोटल ऑप्शन को, ठीक है ना, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये आपको टेक्स्ट बॉक्स पर इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पर देखिए शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट, 3D और आर्टिस्ट अभी जो आपको आया, तो आर्टिस्ट अभी आपको मैं बताया ही, ठीक है। जैसे इसको नॉर्मल कर लेते हैं पिक्चर को, और उसमें आर्टिस्ट नहीं था तभी आपको मैंने बताया। और यहाँ से भी वह देखिए प्रीसेट आपको यहाँ से भी दे सकते हैं, अगर कोई प्रीसेट आप दे दिए कोई प्रीसेट, तो यहाँ से इसका देखिएगा ऑप्शन आ जाएगा आर्टिस्ट इफेक्ट का। यहाँ से देखिए ट्रांसपेरेंसी कितना रखना चाहते हैं, साइज कितना रखना चाहते हैं, इस तरह से आपको इसको कर सकते हैं। ये ऑप्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन, हाँ यहाँ पर से आपको रीसेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी इफेक्ट आप इसमें दे दिए हैं तो यहाँ से रीसेट पिक्चर को कर सकते हैं। यहाँ से आप पिक्चर ला सकते हैं, फ्रॉम फाइल से आपको लाना है, या फिर फ्रॉम ऑनलाइन से लाना है, या फ्रॉम आइकन से लाना है। तो देखिए इसमें कैसे कैसे लाएंगे, इसे तो क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन से आप रीसेट पिक्चर को कर सकते हैं, इस ऑप्शन से आपको फ्रॉम ए फाइल, इस ऑप्शन में क्या करेगा आपके कंप्यूटर में जो फाइल सेव होगा उसका आप इससे आप ला सकते हैं, और इस यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं उस पिक्चर को। जैसे ये पिक्चर पर क्लिक किए फिर यहाँ पर गए, यहाँ से कोई पिक्चर आपको पसंद नहीं आया तो यहाँ से इस पिक्चर को आप चेंज भी कर सकते हैं, देखिए इसकी जगह पर पिक्चर चेंज हो जाएगा। उसका फ्रॉम ऑनलाइन यहाँ पर क्या करेगा, आपको नेट खुल जाएगा, अगर नेट कंप्यूटर में कनेक्ट होगा तो नेट से पिक्चर को सर्च करेगा ही, देखिए यहाँ से नेट से पिक्चर को सर्च कर रहा है, ठीक है। जो भी एप्पल वगैरह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको एप्पल ले सकते हैं, एप्पल अनेक यहाँ पर सर्च कीजिए, जिसका फोटो चाहिए आप सर्च कीजिएगा, उनका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमने गॉड को सर्च किया तो पूरा भगवान का फोटो आ गया, और जिसको पसंद उस पर क्लिक कर इंसर्ट कीजिएगा तो आपको पिक्चर यहाँ पर आपको इंसर्ट हो जाएगा, थोड़ा वेट लगेगा, एक मेरा नेट को स्लो है, देखिए आपको आ गया इस तरह से। उसके बाद ऑप्शन क्या था, यहाँ से भी आप चाहते हैं पिक्चर तो दिस पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर दोनों में से किसी को आप ले सकते हैं। दिस पिक्चर में लीजिएगा तो आपको कंप्यूटर में जो पिक्चर है वो आपको वहाँ से ले सकते हैं, और फिर आप आइएगा इंसर्ट में, और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पिक्चर क्लिक कीजिएगा तो आपको नेट खुलेगा, जैसे अभी आपको मैंने बताया, जैसे ऑनलाइन नेट से आप पिक्चर आप ले सकते हैं, इस तरह से फीस का मैंने लिया। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर है और इंसर्ट कीजिएगा तो पिक्चर आपके ऑफिस के यहाँ पर आ जाएगा, नेट से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये नेट वाला है, ये फिर है फ्रॉम आइकन, सब नेट से काम कर रहा है, आपके कंप्यूटर में अगर नेट नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। देखिए सब आइकन आ गया, आपको जिस तरह से आइकन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे आइकन यहाँ पर देखिए, आर्ट का है, एरो का है, जो भी आइकन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ये सब देखिए।
जो भी आपको आइकन पसंद है वहाँ पर उसको इंसर्ट कीजिएगा तो वहाँ पर आपको आइकन जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन खुलेगा आपको नेट पर, ठीक है। नेट कनेक्ट कीजिएगा तभी ऑप्शन खुलेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। चलिए एक और फोटो को फिर इंसर्ट कर लेते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन यहाँ पर जो तीनों कंप्लीट हो गया आपको, अब आते हैं आगे। आगे यहाँ पर देखिएगा पिक्चर स्टाइल, यहाँ पर से अगर आपको पिक्चर स्टाइल आपको देना है इसको हटाते हैं, यहाँ से एक्सपायर करके ज़रा रखते हैं। पिक्चर स्टाइल में आपको इतना सारे है, फर्स्ट में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये सब फोटोशॉप में आपको बनाने के लिए बहुत घंटों समय बीत सकता है। यहाँ पर इस तरह से आपको खुद बना के प्रीसेट दे दिया है, इस पर क्लिक करके आपको खुद को काम को यूज कर सकते हैं, और जिसे पसंद क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि 10 मिनट से ऊपर वीडियो बन चुका है, इतना प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं ये सब ऑप्शन को मैं बताऊँगा। आपको ध्यान रखना है कि दिस डिवाइस से आपको कंप्यूटर के अंदर वाला पिक्चर लाइएगा, ऑनलाइन जब नेट कनेक्ट कर दिया तो ऑनलाइन से पिक्चर लाइएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।